राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें। अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ है। हरीश मेहता ने याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है? अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट ने गुजरातियों को ठग कहने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में आज सोमवार को सुनवाई होनी है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। हरीश मेहता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दायर की गई याचिका में बताया गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने बयान में गुजरातियों को ठग कहा है। इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरीश मेहता ने मेट्रो कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख दी गई थी। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो देश में सिर्फ गुजराती ठग होते हैं और उनके ठग को माफ किया जाता है। LIC और बैंक का पैसा दे जाए और वे लोग लेकर भाग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरीश मेहता के वकील ने कहा था कि इस याचिका के साथ ही सबूत के तौर पर तेजस्वी यादव का वह बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में जमा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी पर हो चुकी है कार्रवाई। बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कोर्ट की ओर से कार्रवाई हो चुकी है, उनके संसद सदस्य रद्द हो चुकी है। ऐसे में तेजस्वी यादव द्वारा गुजरातियों को लेकर की गई टिप्पणी पर कोर्ट की ओर से आज क्या सुनवाई होती है, इसका इंतजार है।